ने लखनऊ के टिकट घोषित किए। राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर, बीकेटी से गोमती यादव को मिला टिकट। तो सपा ने लखनऊ के टिकट फिलहाल घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों की घोषणा की, जिसमें बीकेटी से गोमती यादव को टिकट मिला है। और इसी के साथ साथ लगातार आपको बता दें कि 10 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। भारत समाचार की स्टेट हेड वीरेन जी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने। वीरेन जी, आज बहुत बड़ा दिन, आज देश का आम आदमी का बजट, और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए, समाजवादी पार्टी ने लखनऊ समेत 10 सीटों का ऐलान किया है। इसमें लखनऊ की 6 विधानसभा सीटों का भी ऐलान किया गया है, और ये लखनऊ में अब नामांकन के लिए मात्र 2 दिन बचा है। ऐसे में ये जो आज टिकट अखिलेश यादव ने वितरित किया है, उसमें बहुप्रतीक्षित नाम है, उसमें गोमती यादव को बीकेटी से दिया गया है। लखनऊ पश्चिम से अरमान खान नया चेहरा है, उनको दिया गया है। लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला को पहली बार टिकट दिया गया है। अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको दोबारा से लखनऊ पूर्व से टिकट दिया गया है। लखनऊ मध्य से पूर्व कैबिनेट मंत्री रविनाश मेहरोत्रा जो पिछला चुनाव हार गए थे, उनको फिर से टिकट दिया गया है। लखनऊ कैंट से राजू गांधी हैं, नया चेहरा है, इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान चल रहा था, होड़ थी कि कौन पहले प्रत्याशी घोषित करेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने तमाम नए नामों पर दांव लगाकर लोगों को चौंका दिया है। लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह के नए नाम अखिलेश यादव देंगे। ये उम्मीद की जा रही थी कि लखनऊ में कुछ दिग्गज लोगों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन 6 सीटों पर ऐलान हुआ है, और 2 सीटें इन्होंने पहले मोहनलालगंज और मलियाबाद घोषित की थी। अब कुल मिलाकर 9 सीटें हैं लखनऊ में, जिनमें 8 पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी अब तक घोषित कर दिए हैं। अब ये देखना होगा कि सरोजनी नगर जो सीट बची है, उस पर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में एक नई सूची के तहत लखनऊ की 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इसमें से 4 नामों को छोड़कर, 2 नामों को छोड़कर 4 नाम एकदम नए हैं। नए लोगों पर, युवाओं पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है, और जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि तमाम दिग्गज नाम समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनको निराशा हुई है। जी, निराशा हो सकती है, जाहिर सी बात है, लेकिन बड़ी बात वीरेन जी ये है कि जब समाजवादी पार्टी ने जो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जो नाम आए हैं, नए चेहरों को, आपने भी कहा कि नए चेहरों को मौका दिया, चाहे वो अरमान खान की बात हो, लेकिन जो अपने उनके जो अपने कद्दावर नेता है, चाहे वो अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो टीवी चैनल्स में भी बैठते हैं और बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं, उनको भी पूरी तरीके से मौका दिया है। वीरेन जी, देखिए, लखनऊ उत्तर में अभिषेक मिश्रा जो पूर्व मंत्री है, उनका टिकट कट गया है, और अनुराग भदौरिया पहले भी चुनाव लड़े हैं लखनऊ पूर्व से, जिस पर अभी इस समय गोपाल टंडन जो कैबिनेट मंत्री है बीजेपी सरकार में, वो उस सीट से विधायक हैं। और ये लखनऊ की जो सीटें हैं शहर की, ये समाजवादी पार्टी के लिए काफी कठिन मानी जाती है, टफ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अधिसंघ के मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो इतना समय ले रही है टिकट घोषित करने में, ये कुछ बड़े दिग्गज नामों का ऐलान कर सकती है, और वो कोशिश करेगी कि हम इन सीटों पर चुनाव जीते। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गोमती यादव बक्सिक तालाब से पहले विधायक रहे, उनको दोबारा टिकट दिया गया है। रविदास मेहरोत्रा जो लखनऊ में काफी समाजवादी पार्टी के बड़े और दिग्गज नेता माने जाते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं, उन पर भी भरोसा जताया है। लेकिन पूजा शुक्ला को टिकट देकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी के आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी, और मुख्यमंत्री को उन्होंने काले झंडे दिखाए थे जब लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर वो जा रहे थे। तो उसका जो संघर्ष का था, उसका इनाम युवा के तौर पर मिला है उनको। और राजू गांधी ये लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जहां ये माना जा रहा था कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती हैं, और वो समाजवादी पार्टी से इसके लिए दावेदारी कर रही थी, और इसकी वजह से उनको पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में भी चली गई। लेकिन अब उनकी जगह उनके सामने राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया है अखिलेश यादव ने। तो ये जो टिकट है, ये काफी मिला जुला आप कह सकते हैं कि युवा चेहरों के साथ अनुभव को भी तरजीह दी है, और ये चुनाव
बहुत दिलचस्प होगा उत्तर प्रदेश का, और ये कोशिश है कि लखनऊ में एक बेदाग नाम से जमीनी लोगों को, नए चेहरों को अखिलेश यादव ने कोशिश की है कि टिकट दिया जाए, जिससे कि उन पर कोई आरोप ना हो और जो जमीनी नेता हैं, जिनकी पकड़ है, जिनका अपना वोट बैंक है, वो भी संघर्ष करें, वो भी चुनाव मैदान में आए। बिल्कुल बड़ी बात, बेदाग और अनुभवी लोगों के नाम सामने आए हैं जो अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों को, जिनको टिकट दिया है। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने 10 प्रत्याशी घोषित किए हैं। वीरेन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर, जिसमें बीकेटी से गोमती यादव को टिकट मिला और लखनऊ पश्चिम से अरमान खान को, तो पूजा शुक्ला को लखनऊ उत्तर से सपा प्रत्याशी बनाया गया है, तो अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्व से सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया, यानी कि पूरी तरीके से अपना भरोसा जताया है। जी वीरेन जी, एक छोटे से सवाल का जवाब और आपसे चाहूंगा, सरोजनी नगर सीट बड़ा ही लोगों में कौतूहल है, तो कब तक लोगों के सामने इसका जवाब आ जाएगा? देखिए एक सस्पेंस है ये, और ये सस्पेंस शायद इसलिए बना है कि बीजेपी ने सरोजनी नगर सीट पर अभी तक अपना प्रत्याशी क्लियर नहीं किया है। जो बीजेपी से कैंडिडेट है, विधायक है स्वाति सिंह, वो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। ऐसी चर्चा है कि उनके पति दयाशंकर सिंह को बीजेपी टिकट देना चाहती है, और अगर स्वाति सिंह का टिकट कटता है तो उनका स्टैंड क्या होगा, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जगह थोड़ी छोड़कर रखी गई है। अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से सरोजनी नगर की सीट पर टिकट का ऐलान नहीं किया है, तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि अगर बीजेपी में किसी का टिकट कटता है और वो इधर उधर जाता है, निगाह दौड़ाता है, तो समाजवादी पार्टी शायद उसको अपने यहाँ अपने लिए उसके लिए दरवाजे खोले। हालांकि अखिलेश यादव ने कह रखा है कि सपा के लिए, भाजपा के लोगों के लिए उनके दरवाजे अब बंद हैं, भाजपा के लोगों को वो नहीं लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ ना कुछ सोच जरूर रही है सरोजनी नगर सीट को लेके, इससे यह संकेत मिलता है। बिल्कुल, कहा था कि दरवाजे बंद है लेकिन एक सीट खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो स्टेट हेड वीरेन जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल सपा के जो 10 प्रत्याशी घोषित हुए, जिसमें नए लोगों को भी मौका मिला और जिन्होंने काम किया है उनको भी अपने काम का कहीं ना कहीं पार्टी ने एक मौका दिया है। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार प्रत्याशियों के नाम सामने आए, बात करेंगे एक बार फिर।